हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये है ग्रुप वन का प्लान, और ये कुछ प्लान इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ कि आप सभी के 60+ मार्क्स आने वाले हैं। इसमें मैं जो भी कहने वाला हूँ, अगर आप उसे 100% फॉलो करने वाले हैं और 100% एफर्ट मैं आपके साथ लगाऊंगा, 100% एफर्ट आप लगाएंगे, टोटल मिला के 200% हो जाते हैं। और ICI अगर आपका 50% भी रिजल्ट आपको देगा तो 100% आप इस एग्जाम में पास होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। दोस्तों ये प्लान, और CA आप कर रहे हो और आप ग्रुप वन दे रहे हो, सिंपल सी बात। ये मैं इसी को सोच के ये प्लान बता रहा हूँ। और सर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ऑलरेडी प्लान शेयर किया हुआ है मेरा, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट वगैरह में मेरे। ठीक है सर, आपको प्लान मिल जाएगा, ऑलरेडी शेयर्ड है। मैंने अभी 3 मंथ का प्लान दिया हुआ था और आई थिंक बहुत सारे बच्चे उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो सर ये ग्रुप वन के लिए प्लान है ओनली, और ग्रुप टू के लिए भी मैं कुछ दिनों में निकाल दूंगा प्लान। ठीक है, तो ग्रुप वन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 3 टाइम रिवीजन के लिए गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप 3 बार रिवीजन कैसे कर सकते हो, और आप मेरे साथ विथ इन 50 to 60 days में 60+ CA एग्जाम में कैसे ला सकते हो। आधे से ज्यादा बच्चे तो बेहोश हो गए होंगे सोच के कि भाई 60 दिन में 60 मार्क्स, सारे सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता तो है भाई, मुझे बहुत कुछ पता है, 400 से ज्यादा वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है सर, बस एक ही चीज कहूंगा, इफ यू फॉलो मी 100%, ठीक है सर, देन आई एम रेडी टू बी विथ यू, एंड इट्स माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप ये फॉलो करते हो और आपके नहीं आए तो भैया चैनल बनाना छोड़ दूंगा, इसकी रिवेन्यू जो भी यूट्यूब की आती है आपके अकाउंट में डाल दूंगा, अगर आप पास नहीं हुए तो अपनी टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अगर आप पास नहीं हुए तो। ठीक है, 100% माई जी प्रॉमिस है भाई, करके रहेंगे। और जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस, जितनी भी टेंशन है, फैमिली प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि फाइनली करना क्या है। फिलहाल आप मेरे साथ प्लान नोट करो, ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा। सर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 अप्रैल पे आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि भैया आपके पेपर ही 1-2 मई से चालू हो जाएंगे, तो हम 13 अप्रैल पे आते हैं। 13 अप्रैल पे आप क्या करने वाले हो, एक अकाउंट का टेस्ट देने वाले हो, वो भी 3R वाला। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 29 अप्रैल दे रहा हूँ, जिसका आप रिविजन करने वाले हो, सिर्फ रिविजन करोगे आप इसमें, क्या करोगे आप इसमें रिविजन करोगे कि भैया मेरा किसी भी तरीके से ओवरऑल सारा रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक दिन का टाइम क्यों दे रहा हूँ, आप कहोगे कि सर एक टाइम दिन का टाइम क्यों दे रहे हो, भाई ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका मेंटल सेटअप जो है ना वो तैयार हो जाए एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ भी 1-2 दिन यहाँ मिल जाएंगे आपको दोबारा से ये देखने के लिए कि एग्जाम में मुझे क्या नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 30 तारीख को एक रिटर्न टेस्ट, हैंड रिटर्न टेस्ट दे दो आप। फिर मैं आपसे बात करता हूँ 28 अप्रैल की। ठीक है, इस दिन आप टेस्ट देने वाले हैं लॉ का टेस्ट। किसका देने वाले हो, लॉ का टेस्ट। और ये टेस्ट में क्या सॉल्व करोगे, तो भैया मॉक टेस्ट पेपर वगैरह आते हैं, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें मॉक टेस्ट पेपर का मतलब नहीं पता होगा, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कुछ न्यू बच्चे भी होंगे तो उनका कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, प्लानिंग डाल देनी है, मतलब मॉक टेस्ट पेपर के बारे में बता देना है उन्हें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो लॉ के टेस्ट आपको एक देना है, वही 3R वाला, सिंपल सी बात है, और टाइमिंग वही आपके एग्जाम की 2 to 5 वाली ही रहनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद इसको आपको करने के लिए 27 अप्रैल का टाइम मैं देता हूँ, रिवीजन टाइम, कि भैया आप इसे पूरा रिवाइज करो। उसके बाद हम 26 अप्रैल पे आते हैं। अब जब 26 अप्रैल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट FM का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और वही 3 आवर्स की टाइमिंग में सॉल्व करना है, और वही टाइम रहने वाला है आपका 2 to 5। एक्चुअली में आप किसी भी रैंक होल्डर का प्लान देखो, ठीक है, उस रैंक होल्डर ने जरूर कहा है कि भैया मैंने मॉक टेस्ट पेपर और ये सब सॉल्व किए हैं, मैंने 3 आर की सिटिंग में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, ताकि मुझे मेरी स्पीड का पता चल पाए और मेरी एक्यूरेसी का पता चल पाए कि भैया मैं किस स्पीड से काम कर पाता हूँ। ठीक है सर, इसको बनाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस वीडियो के, मैं सिंपल सी बात एक जानता हूँ भैया, 100 में से सिर्फ 100% जो लोग देख रहे हैं, इसमें से जो 95% हैं वो इसे फॉलो नहीं करेंगे, और 5% है जो फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अपनी पर्सनल गारंटी, आप पक्का पास करोगे। और भैया इसके बाद आते हैं हम 25th को, आपने क्या करना है, कॉस्ट FM का रिवीजन लगाना है। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा मैं सब बताऊंगा, अभी बस आप लिखते जाओ। 24 अप्रैल की बात करें हम, तो 24 अप्रैल को बात करते भैया टेस्ट, टैक्स के टेस्ट की। ठीक है, उसके बाद 23 अप्रैल की बात करते हैं, तो आप इसकी क्या करोगे, रिविज़न लगाने वाले हो। तो ओवरऑल ये आपने एक रिवीजन, ओवरऑल एक रिवीजन कर दिया, और एक पूरा का पूरा 3 आर का टेस्ट दे दिया,
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं कि भैया पास होने के लिए टेस्ट लिखना भी पड़ता है। गारंटी दे रहा हूँ, अपने दोस्तों से पूछ लेना जो फेल हुए हैं, फेल हुए हैं उनसे जरूर ये पूछना कि भाई तूने कभी 3 आर का टेस्ट दिया है, हमेशा उनका आंसर होगा नहीं। आप फेल इसलिए नहीं होते कि आपका दिमाग कमजोर है, आप इसलिए फेल होते हो क्योंकि आपकी प्लानिंग कमजोर है। जितनी तगड़ी आपकी प्लानिंग होगी, जितना अच्छा परफेक्शन आप दे पाओगे एग्जाम के अंदर, और परफेक्शन आती है सर प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आती है प्लान से, और प्लानिंग आती है करने से। भाई सिंपल सी बात है, कोई एक्सपर्ट एक दोस्त आपका होना चाहिए आपके साथ आपको गाइड करने के लिए। तो सर ये 22 की बात करें, 22 अप्रैल की, तो इसमें मैं आपको एक मार्जिन दे देता हूँ कि बाई चांस तबीयत खराब हो गई, कहीं जाना हो गया, या फिर आपको रिवीजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो आप ये यहाँ पे करने वाले हैं। अब सर एक और टेस्ट हम लिख के करने वाले हैं, मैं आपको 3 टाइमिंग दे रहा हूँ, एक तो हो गई, अब मैं बैक काउंटिंग में आ रहा हूँ 21 को, 22 का टाइम मैंने आपको रेस्ट के लिए दे दिया। यहाँ भी सर आप एक अकाउंट का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हो, अभी हम अप्रैल में ही है, याद रखना है आपको। अकाउंट का पेपर जब आप टेस्ट सॉल्व करने वाले हो, तो ये भी आपको 3 आर की टाइमिंग रखनी है, और वो होनी चाहिए 2 to 5। उसके बाद आपको 2 दिन इस बार आपको मिलेंगे अपना टेस्ट रिवाइज करने के लिए। क्या करना है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। उसके बाद जब हम बात करते हैं 18 तारीख की, तो 18 में आपको लॉ का टेस्ट देना है, और लॉ के टेस्ट में भी भैया क्या करना है, 3 आर का एक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कोई भी कर लो आपका सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 17 और 16 को सर रिवीजन करना है इसका, क्या करना है रिवीजन करना है। उसके बाद आप 15 की बात करो, तो आपको इसका कॉस्ट एफएम का एक 3 आर का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, और वही पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, और वो ही टाइम रहना चाहिए 2 to 5, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 14 एंड 13 की, इसमें आप क्या करोगे रिवीजन करोगे, किसका कॉस्ट एफएम का। और इसके बाद फिर हम 12 को क्या करने वाले हैं, टैक्स का टेस्ट देने वाले हैं, और वही टाइमिंग होगी आपकी, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, या फिर आप चाहो तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कर सकते हो, टाइमिंग आपकी 2 to 5। और यहाँ पे आपको फिर से 2 ही दिन मिलेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है रिवीजन करना है, तो ये आपका इसी के साथ सेकंड रिवीजन हो गया, ठीक है। आप बोलो भाई ये तो आप बताए जा रहे हो, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पता है क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 1 दिन का रिवीजन का टाइम दे रहे हो, 1 दिन में होगा कैसे ये बताओ। भाई एक बात बताओ, एग्जाम में आपके कितने दिन आपको मिलते हैं, 1 ही दिन मिलते हैं ना, तो क्या करना है मैं सब बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, बस लिखते जाओ अभी प्लानिंग को, मैं सब बताऊंगा। तो मैंने आपका 1 दिन के हिसाब से भी रिवीजन प्लान करवा दिया, और आपको टेस्ट क्या देना है वो भी बता दिया, 2 दिन के हिसाब से भी बता दिया कि क्या करना है और कैसे टेस्ट देना है वो भी आपको बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पे, थर्ड रिवीजन हमारा, ठीक है सर, रेडी हो आप सब थर्ड रिवीजन के लिए। देखो अब इसमें मैंने आपको 1 दिन का मार्जिन छोड़ दिया, वो है 9 अप्रैल का, उस दिन आप रेस्ट ले सकते हो, घूमना जा सकते हो, या फिर कोई चीज़ पेंडिंग हो तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद सर हम यहाँ पे बात करते हैं 8 अप्रैल की, अभी अप्रैल ही चल रहा है हमारा, तो 8 अप्रैल की जब आप बात करो, तो 8 अप्रैल को आपको अकाउंट का टेस्ट देना है, और इस बार आपके पास है भैया 3 दिन, कितने दिन है 3 दिन रिवीजन के, ठीक है। उसके बाद आपको लॉ का टेस्ट देना है यहाँ पे, और अब आपके पास फिर से है 3 दिन रिवीजन के लिए, और ये आपका चल रहा है अप्रैल। अब यहाँ पे अप्रैल फिनिश हो गया, अब हम बात करेंगे मार्च की। तो भैया 31 मार्च को आपको कॉस्ट एफएम का पेपर लिख के देना है टेस्ट, और इसके लिए आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे देना चाहूँगा 4 दिन, 2 दिन इसके रिवीजन के लिए और 2 दिन इसके रिवीजन के लिए। तो ये आपका क्या हो गया रिवीजन का टाइम, ठीक है। इसमें आप कॉस्ट एफएम जो भी आपको अच्छा लगे वो रिवाइज कर सकते हो कॉस्ट एफएम। उसके बाद मैं आपके आता हूँ 26 को, तो 26 को आपको देना है टैक्स का टेस्ट, ठीक है, और इसमें भी मैं आपको 4 दिन दूंगा, 25th, 24, 23, 22, क्यों, इसमें आप 2 दिन DT को 2 दिन IDT को दे सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका है 22 मार्च, तो अगर आप ये वीडियो 22 मार्च तक भी देखते हो तो ये वैलिड है आपके लिए। और बहुत सारे नालायक कमेंट कह के कहेंगे सर हमने अभी देखी, हमने अभी देखी, तो आप लोग जो समझदार पूरे वीडियो देखने वाले हो उनको कमेंट करके बता देना भैया इसमें मास्टर ने पहले ही ये चीज़ बोल रखी है, आप समझदारी दिखाओ। अब बात आई कि सर रिवीजन होगा कैसे, 3 दिन 4 दिन आपने बोल तो दिया, हमारा फर्स्ट रिवीजन 3 दिन 4 दिन में कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, हमने तो आज तक सिलेबस ही नहीं किया, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो भैया मैंने आपको कितने दिन की, 22 मार्च की बात बताई है,
और ये वीडियो आज होली है 2 मार्च को मैं आपके लिए प्लानिंग बता रहा हूँ। और आपके पास पूरे कितने दिन आपको दिख रहे हैं? 2 से 22, यानी 20 डेज हैं अभी आपके पास। 20 डेज आपको दिख रहे हैं। इन 20 डेज को अगर मैं 5 दिन की सिटिंग में बांट दूँ, ठीक है, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, तो भैया एक में अकाउंट, cos FM, लॉ और आप टैक्स इसमें निपटा सकते हो। एक रिवीजन 5 टाइम डेज में। सर ये भी बताओ, हमें अभी भी नहीं समझ में आया, लेट सपोज हम वीडियो ये 20 तारीख को देख रहे हैं, तब हमारे पास तो ये 20 दिन चाह चुके हैं भाई। तो एक ही बात कहूँगा, अब मेरी बात सुनना, CA में हार्ड वर्क तो है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन CA में स्मार्ट वर्क भी होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको 80-20 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। मेरी मजदूर लिस्ट सबसे पहले यूट्यूब पे और पूरे इस कम्युनिटी में, सीए कम्युनिटी में मैंने ही मजदूर लिस्ट देना स्टार्ट किया। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस उन एडजस्टमेंट के साथ, डिक्टो क्वेश्चन इस बार एडवांस अकाउंट में जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें से 80 मार्क्स का डिक्टो क्वेश्चन आया था। अकाउंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हुई थी, वरना मेरी लिस्ट की वजह से बच्चों के 76-72 मार्क्स आए हुए हैं सीए एग्जाम में, सिर्फ मजदूर लिस्ट की वजह से। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर मैं अकाउंट की बात करूँ तो मैंने इसकी मजदूर लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है, और ये मैंने 28 फेब को ही शेयर कर दी थी, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लॉ की। तो लॉ के लिए भैया देखो, आपको दो तरीके से पढ़ना है, या तो अंकिता मैम की वीडियो है, अब अंकिता मैम मत बोलना भैया, स्वप्निल सर के चैनल पे चले जाना, CA स्वप्निल पातनी सर, उनके चैनल पे आपको अंकिता मैम की रिवीजन वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद एक बार PM को उनके साथ साथ देखते जाना, जो जो बताई जाएंगी PM को देखते जाना, हाईलाइट से हाईलाइट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। या फिर दूसरा ऑप्शन है सर, CA दर्शन खारे सर, CA दर्शन खारे सर, उनका भी यूट्यूब पे नाम सर्च करोगे तो वो उनके वीडियो लॉ के आपको मिल जाएंगे। रिवीजन वीडियो है, 1 डे रिवीजन वीडियो, आपके ओवरऑल 3, यहाँ मैंने आपको 3 दिन का, फर्स्ट डे में 3 दिन का टाइम दिया है ना, आराम से हो जाएगा। अकाउंट में मैंने मस्ट डू लिस्ट दी है, 3 दिन का टाइम दिया है ना, आराम से हो जाएगा, बस आपको करना है डेडिकेशन के साथ और वो हो जाएगा। उसके बाद लॉ का हो गया, अकाउंट हो गया और लॉ हो गया। उसके बाद मैं अब आपसे बात करूंगा अकाउंट और लॉ के बाद cos and FM की। तो cos and FM में भी अभी मैंने आपसे कितनी तारीख मांगी है, अभी मैंने आपका जो cos FM का मैंने टेस्ट का टाइम दिया है वो है 31 के आसपास, और मैंने आपका 26 के आसपास से आपको रिवीजन करने के लिए बोला है। तो मैं आपको 21 मार्च तक cos FM की लिस्ट दे दूंगा, उसमें आपको कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने हैं मजदूर लिस्ट के। और ये कहाँ से लिस्ट होती है सर, ये प्रैक्टिस मैनुअल से लिस्ट होती है मजदूर लिस्ट, तो वो आपको मिल जाएगी। FM की भी मजदूर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो वो भी आपको मजदूर लिस्ट कर लेनी है, और इसमें बस मजदूर लिस्ट करके जाओ, आप पास हो जाओगे। और बचा फिर टैक्स, तो टैक्स में भी मैं सर यही कहूँगा, टैक्स के वीडियो सारे मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है, DT के भी हैं, और DT मेरा जो ख़त्म होने का टारगेट है वो 27 मार्च तक है। अगर आपने अब तक नहीं किया है, ठीक है, DT पहले से, तो भैया कर लेना। आपको सारी प्लानिंग मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दूंगा, और ब्रॉडकास्ट ग्रुप का नाम ही मैं ग्रुप 1 रखूंगा, तो उसमें मैं ग्रुप 1 की सारी प्लानिंग, A to Z प्लानिंग, पर डे प्लानिंग, 5 बजे उठना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारे टारगेट्स वगैरह मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि आज किस दिन क्या करना है। तो ब्रॉडकास्ट का जो ग्रुप है वो टेलीग्राम का ग्रुप है, पहले भैया इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, अपनी ID बना लेना, फिर मेरे वीडियो के नीचे आके जो लिंक होगा उस पर क्लिक करना, आप इसमें ज्वाइन कर जाओगे। और जो हमारी डेट हमने रखी है टेस्ट की, मतलब कि जो हमने टाइम रखा है 22 तारीख से स्टार्ट, ठीक है, किस दिन क्या पढ़ना है, तो मैं वो चीज़ शेयर करूंगा, जो भी रिलेवेंट वीडियो फर्स्ट ग्रुप से होंगे वो मैं शेयर करूंगा, जो भी नए चैनल पे आएंगे कहीं भी आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल, इसमें मैं आपकी DT की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा और IDT की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ये भी 2 दिन में पॉसिबल है करना, और ये भी 2 दिन में है पॉसिबल करना। कॉस्ट के लिए शेयर करूंगा, वो भी 2 दिन में हो जाएगी, ये भी 2 दिन में हो जाएगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, हम आपकी, आप क्या कहना चाहते हो कि हम आपकी मजदूर लिस्ट को करें और हम पास हो जाएंगे? सर ये 100% मेरा प्रॉमिस है, पर्सनल प्रॉमिस है, यूट्यूब छोड़ दूंगा, 400 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बाद अपनी टीचिंग कैरियर को लात मार दूंगा अगर आप फेल हो गए तो। लेकिन याद रखना 100% इसे फॉलो करना है। 3 टाइम रिवीजन भैया किसी भी हालात में करके देने हैं, वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर मैं डालूंगा उसमें वो सॉल्व करना है उस दिन जिस दिन मैं डालूंगा। पर डे प्लान जो मैं आपको दूंगा किस टाइम तक क्या खत्म करना है वो करना है, उसमें मैं लॉ के भी वीडियो शेयर कर दूंगा, अकाउंट के भी शेयर कर दूंगा, अगर cos FM के किसी के मिले तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। और देखो भैया
अकाउंट की मजदूर लिस्ट आपको मिल जाएगी, कॉस्टम की मिल जाएगी, डीटी की मिल जाएगी और आईडीटी की मिल जाएगी, ये तो मैं उसमें डाल दूंगा। और ये अकाउंट की आ चुकी है, कॉस एफएम और डीटी आईडीटी की मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा। लॉ के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, अंकिता मैम या सीए दर्शन सर के वीडियोज देखोगे, वहां से अपने नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस मैम से करोगे, उतने में आपका हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट है। बात आई एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज एग्जाम टाइम में मैंने बनाए थे, वो देख के प्रैक्टिस मैम कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ होती रहेगी मैं जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में उसमें डालता रहूंगा। तो प्लीज़ भैया, दोबारा से मैं कमेंट में आंसर नहीं दूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आंसर दूंगा, तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। अब बात भैया देखो आई कि हमने आज तक कभी कुछ नहीं किया, हमने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, हमें पढ़ाई हुई किए हुए बहुत साल हो गए, सर हमारी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ख़राब है, सर हमारे दिल बहुत बार टूट चुका है, हम क्या करें, हमसे नहीं हो पा रहा, दैट्स इट। अब आप बताओ किस तरीके से करें कि पास हो जाए। भैया देखो, ये सारी प्रॉब्लम एक जार में पैक कर दो, ये रहा आपका जार, ये आपने इस पे ढक्कन लगाया, ये ताला लगा दिया, ये सारी प्रॉब्लम इसमें बंद है। अब आप अपनी जिंदगी में एक बार जरा सोचो, आज होली है, मैं अभी 4 ऑडिट के वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, 3 मॉर्निंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, क्या मेरे लिए होली नहीं है? क्या मैंने होली सेलिब्रेट नहीं की? की ना, मैंने बहुत सारे स्वीट्स खाए, एक गुजिया भी खाया है, और बहुत सारे जो मेरे टॉप 50 या टॉप 30 है उनके साथ मैंने होली में विशेष भी उनको किए हैं। कॉल मॉर्निंग से मैंने 2 से 4 ही पिक किया है, उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, मैं कॉल अवॉइड करता हूँ, टेक्स्ट भी बस तब करता हूँ जब मैं फ्री हो जाता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। अब देखो भैया, एक चीज़ है, डू एंड डाई का केस है, डू या डाई। अब भैया, या तो आपको इस बार करना है किसी भी हालत में, या तो नहीं करना है। प्रॉब्लम्स होंगी यार, एक बात सिंपल सी बताओ, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये बताओ। क्या आपको लगता है एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? क्या आपको लगता है स्टीव जॉब्स की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? क्या आपको लगता है विनीत मिश्रा जो ये चैनल चला रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? आप एक बंदा ऐसा बता दो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है और जिसकी प्रॉब्लम में नहीं है। और भैया, जो लोग कहते हैं ना मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, ये जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो जिंदगी में कभी कुछ करता नहीं है ना, उसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। और जो जितनी बड़ी मंजिल देखता है, लेट सपोज मेरा टारगेट यहाँ पे है, मेरा टारगेट है कि मैं नंबर यूट्यूब में नंबर 1 फैटर्निटी बनूं, ठीक है, और मेरा चैनल सबसे आगे जाए। अब मेरा टारगेट इतना ज़्यादा है तो भैया 18 घंटे मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, मुझसे बहुत बेहतरीन टीचर है यूट्यूब पे, लेकिन क्या हुआ, मैं अपने आप को छोटा क्यों समझूं, मुझे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। आपको 60+ में कह रहा हूँ, लिस्ट करके आ जाएंगे, आपको करना पड़ेगा ना। भैया देखो, सिंपल सी बात है, एक बार ये दुनिया की तरफ देख लो, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ना, ये भी साले छोड़ के चले जाएंगे, एक ना एक कमी आपके अंदर हमेशा निकाल देंगे कि भाई इस वजह से मैं तेरे साथ नहीं रह सकती है या नहीं रह सकता, और चले जाएंगे। तेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, साला पूरा बायोडाटा कमियों वाला पकड़ा देंगे और चले जाएंगे छोड़ के, अगर आप ये सीए एग्जाम में पास नहीं हुए, याद रखना, ठीक है। और ये सब इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आपका फ्यूचर का कैरियर ब्राइट नहीं है, और ब्राइट कैरियर बनाना है तो बेटा इस बार सीए में पास होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इस दुनिया में कोई साथ नहीं रहेगा आपका, एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, ओनली 1 पर्सन हेल्प यू, एक ही बंदा है जो हेल्प करेगा, और वो आप खुद हो, यू। भैया जब तक आप ये सोचोगे ना, मैंने किसी भी रैंक होल्डर को देखा, किसी का भी इंटरव्यू मैंने लिया, जितने से मिला हूँ रैंक होल्डर से, उनकी एक खास बात होती है, वो कभी ये देखते ही नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, वो ये देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई डू। और भैया वो आज तक आप इसलिए फेल नहीं हुए कि आपका ब्रेन कमजोर है, आप लोग इसलिए फेल हुए आपके पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग मैं दे चुका हूँ, 100% एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ब्रॉडकास्ट का ग्रुप है उसमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते, मैं प्लानिंग जरूर शेयर करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे cahub.007@gmail.com पे कर सकते हो मेल, या फिर आप उस मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टा पे मुझे, ठीक है, लेकिन रिलेवेंट क्वेरी होगी तभी मैं एंटरटेन करूँगा। तो भैया एक बार ना अपने जो बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी तरफ जाके देख लेना, रियल मोटिवेशन बता रहा हूँ। माँ की ना पक्का घुटनों में प्रॉब्लम होगी, और दोनों में से किसी एक को डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम होगी, और भाई दुनिया में जब भी उनसे कोई पूछते ना, आपका बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है, अरे हमारा बेटा सीए कर रहा है, ओहो कितने साल से कर रहा है जी, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। अभी एक भाई था, नूर नाम है उसका, पूरा नाम मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं नूर ही बोलता हूँ,
उसके पापा खुद सीए हैं, भाई का सीए निकल नहीं रहा था, उसने 10-12 अटेम्प्ट दे दिए थे, सिर्फ मस्ट डू लिस्ट की थी उसने। खुशी से दोस्त पागल हो गया जब उसने देखा कि उसके अकाउंटिंग में मस्ट डू लिस्ट से 72 मार्क्स आए हैं, 66 या 68 मार्क्स अकॉस एफएम में थे, सिर्फ मस्ट डू लिस्ट से बंदा पास हो गया, बस मस्ट डू लिस्ट की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा मस्ट डू लिस्ट भगवान है भैया, बहुत शिद्दत से बनती है, और मेरा एक ही टारगेट है आपको पास कराना। और जब ये पास हुआ ना, तो इसके पापा के चेहरे में जो आंसू थे ना, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो खुशी जो उस दिन इसको दी ना अल्लाह ने, वो कोई नहीं दे सकता। तो भैया एक बार ये दुनिया की जो मोह माया है, फेसबुक की, यूट्यूब की, सर यूट्यूब ना चलाएं भैया, बस एक आध चैनल सब्सक्राइब करके रखो ना, नीरज सर का करना है वो कर लो, नीरज सर का, स्वप्निल सर का करना है कर लो, मेरा चैनल एक्सेप्ट करना है कर लो, बस दो चार, बाकी चीज़ें मोह माया है सबको अवॉइड करो, सिर्फ एक ही चीज़ दिखना चाहिए, वो है मेरा लक्ष्य, ठीक है। और लक्ष्य को पाने के लिए भैया कुछ भी करना पड़े करोगे। एक चीज़ याद रखना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं यार, ये दुनिया अमीर भी बन जाती है, सब कुछ कर लेती 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 है, पैसा भी मिल जाता है, दौलत भी मिल जाती है, शोहरत भी मिल जाती है, लेकिन माँ बाप के चेहरे की जो स्माइल है ना बेटा, ये ज़िंदगी में बार बार देखने के लिए नहीं मिलती। वो चले जाएंगे ना छोड़ के, तो बहुत एहसास होगा आपको कि यार वो चले गए, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। बेटा उनके जीते जी एक बार कर लो, याद करो अपने सीपीटी का टाइम, याद करो अपने 12th का टाइम, याद करो अपने 10th का टाइम, कभी एक टाइम ना आपने बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, फिर जब आपने उन्हें बताया होगा ना मम्मी पापा मेरे इतने अच्छे नंबर आए, उनके चेहरे पे जो स्माइल आई होगी ना बड़ी वाली, भाई वो कोई भी नहीं दे सकता दोबारा से। और ये एक आप ही हो जो आपकी ज़िंदगी में आप बना लोगे, आप कुछ कर लोगे। आज मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए ना, अब एक पर्सनल बात बताता हूँ, तो बुरा मत माना कोई भी, हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है। इससे पहले जब मैं कुछ नहीं था ना, तो साले किसी को औकात का पता नहीं था, कोई नहीं जानता था विनीत मिश्रा कौन है क्या है। अगर मैं किसी से बात करूं तो लड़कियां ऐसे देखती थी जैसे साला मैं कोई रावण हूं, ठीक है। अब जब मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरा जो साइन है ना वो ऑटोग्राफ बन गया है, ठीक है। ये नॉर्मल साइन जो है मेरा, ये ऑटोग्राफ बन गया है आजकल। आजकल लोग बड़ी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं मुझे। आजकल मेरे एक कॉल पिक करने पे लोगों की आंखों में खुशी की आंखों आ जाते हैं, कहती है ओ माय गॉड हमने विनीत मिश्रा से बात की, इट्स मी विनीत मिश्रा। और पता है ये सब कब आया है? जब मैंने हार्डवर्क किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, तब जाके मैं इस लेवल पे आया हूँ। अब एक बात याद रखो, जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा ना, ये जो लड़कियाँ आपको देख नहीं रही है ना, या लड़के जो भी हैं, वो कहेंगे भाई बंदे में दम है, सीए बन गया। अब वो आपको कॉल भी पिक करेंगे, मैसेज का भी रिप्लाई करेंगी, और आपके स्टेटस को भी फॉलो करेंगे। और जब तक आप नहीं हो ना बेटा, कुछ नहीं है, ज़िंदगी झंडा है, याद रखना। जो समझ पा रहे हैं मैं समझा रहा हूँ, मैं उनको जिसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। और जो इन लड़की वड़की के चक्कर में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ नमूने एक से एक लड़के। तो और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है भैया, सिंपल सी बात है लड़कियों, दुनिया में आपके लिए एक ही बात है, आपको सीए इसलिए करना है, क्योंकि मैं जहाँ तक हर लड़की को जानता हूँ, इन्हें एक फ्रीडम चाहिए जो इन्हें मिली नहीं पाती इस लाइफ टाइम, अगर ये कुछ है नहीं तो। ये डिग्री आपकी फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो दुनिया आपको जो ये दिखाती है कि एक आप लड़की हो, फिर ये नहीं कहेंगे आप एक लड़की हो, फिर वो कहेंगे कि आप एक सीए हो। और आपको सीए अगर करना है ना, डेडिकेशन के साथ बोल रहा हूँ, तो भैया लग जाओ। आपके माँ बाप ने आपको बहुत कुछ दिया है आज तक, आगे भी देंगे, लेकिन आप वो बेटी बन के जाओ कि माँ बाप को फ़क्र से कहना पड़ो कि ये बेटी नहीं ये बेटा है, ये बेटी नहीं है ये बेटा है। ये जितने भी चोर चमार लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं ना लड़के टाइप के, कि ओ हम तेरे साथ हैं, इनको जूते मारो और सबको भाई बना लो आज से। मैं भी सबको बहन बना चुका हूँ। अब हर लड़की मिलती है ना, मैं कहता हूँ बहन जी राम राम, नहीं जरूरत है आपके मैसेज कॉल की, अब दूर रहो, सबको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। जो लड़की फालतू बोलती है ब्लॉक लिस्ट चाहिए ही नहीं बहन, मुझे अब मेरा क्या चाहिए, मुझे मेरा काम प्यारा है बस, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली प्यारी है, मुझे बस वो करना है, अब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। अब सर रियल बात समझो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लड़कियों, रियल में कह रहा हूँ, ये जितने भी मोह माया है ना, सब डिस्ट्रैक्शंस है। एक ही वर्ड सबसे अच्छा है भैया, और लड़कों तुम्हारे लिए एक ही अच्छा है बहना। ये 3 महीने बेटा फूक दो, जला दो, खुद को कुछ बना दो जिंदगी में, अब तुम करके कुछ दिखा दो। वो दंगल मूवी का डायलॉग सुना है, जिंदगी मांगती है खून पसीना है, जब भी वो तुमको मौका देगी ना, वो बदले में खून पसीना मांगेगी। इस बार बेटा खून और पसीना दोनों बॉडी से बहना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आप पास नहीं कर सकते ना, तो कोई पास नहीं कर सकता। बहनों, लड़कियों नहीं बहनों बोल रहा हूँ, कभी भी दिक्कत हो ना, तो CAHub.007@gmail.com पे
जेन्युइन प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आई डेफिनेटली हेल्प यू। भाइयों आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि भैया इस बार मई 18 में अगर 4 बच्चे भी पास हो रहे हैं तो वो आप होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और बहन एक ही बात कहूँगा सारी लड़कियों से, सारी दोस्ती, सारे रिश्ते नाते, सारा ब्यूटी पार्लर, सारा ड्रेसअप, सारा मेकअप सब छोड़ दो। एक ही चीज़ ठान लो कि भैया आपके माँ बाप को ये कहना पड़ जाए कि आप बेटी नहीं बेटा हो, बस यही है सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए। जिस दिन वो कहने लग जाए ना कि हमने बेटी पैदा करके सबसे बड़ा पुण्य का काम किया, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था कि हमने एक बेटी पैदा की, वो आपके दिन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है, ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और लड़कों एक ही बात कहूँगा जो मेरी लाइफ का मोटिवेशन है, मैं लड़कों से एक ही बात कहूँगा बॉयज से, भाई लड़कों मैं अपने एंगल से बताता हूँ, मुझे से देखो सबको एक लाइफ में लड़कियाँ छेड़ने का, मजे लेने का, दोस्त बनाने का, गर्लफ्रेंड बनाने का शौक होता है, सबको होता है। और अभी आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये 3 महीने आपने इन्हें दे दिए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अटेम्प्ट के, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको अटेम्प्ट चाहिए तो 3 महीने इनको दे दो, और अगर आपको इस अटेम्प्ट में अपना नाम चाहिए कि भैया आपकी रैंक आ गई या फिर आप पास हो गए, तो एक चीज़ याद रखना, आपको भैया पढ़ना पड़ेगा, 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ पढ़ लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी बदल लो। ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, लड़की हो या लड़का हो, भैया एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आपसे कोई बेहतर मिला तो आपको डंप करके चली जाएंगी, बुरा मत मानना कोई भी, मैं पर्सनल बातें कर रहा हूँ, बस कोई ना कोई कमियां निकाल के कि भाई तू ये नहीं है, तेरी ये नहीं है, तेरी वो नहीं है, तेरी जो भी है छोड़ के चली जाएंगी। आपके साथ एक ही चीज़ रहने वाली है, वो है आपका सर्टिफिकेट कि भैया आप पास हो चुके हो। और जहाँ भी यहाँ पास लिखा आएगा ना चारों सब्जेक्ट में, तो भैया आपकी जो स्माइल होगी ना, हर लड़की कहेगी हाय दोस्ती करोगे मुझसे, लाइक दैट। दूसरी चीज़ भाई, पैशन और प्रोफेशन या फिर जो भी है आपका, वो आप तभी आगे कर पाओगे जब इस बार आप पास करोगे। अगर आपने अभी पास नहीं किया तो आप लाइफ टाइम यही सोचते हुए मर जाओगे कि साला पास क्यों नहीं कर पाया मैं। तो एक ही चीज़ याद रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, आपकी 2 या 4 साल तक तो जो भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार अपना 100% डेडिकेशन दे दो। और ये विनीत मिश्रा तेरा भाई प्रॉमिस कर रहा है लड़कियों और लड़कियों सबसे, लड़कियों का भी भाई, लड़कों का भी भाई, सबका भाई, मेरे को भाई बनने का शौक है और कुछ बनना ही नहीं आज के बाद। तो एक ही बात कहूंगा भाई, रोके तुझको आंधिया या जमी या आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये लक्ष्य 100% आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर ये दोनों चीज आपको चाहिए तो भैया अभी इन दोनों चीजों को भी भूल के सिर्फ कर्मा पे फोकस करो। ये मत कहो कि मैं वीक हूँ इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, आप बस ये बोलो कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मुझे बस ये पता है कि मैं 100% फॉलो करूँगा, मैं 100% हार्डवर्क करूँगा, मुझे नहीं पता मैं स्मार्ट हूँ या फिर मैं भोंदू हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी इफिशेंसी बनेगी मैं उसका 100% यूटिलाइजेशन करूँगा, और बिना एक्सक्यूज के जिंदगी के आने वाले दिनों को जीऊँगा, और 100% अपने कर्म दूंगा, और फल परमात्मा मुझे देगा अगर मेरे कर्म में 100% डेडिकेशन है। तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मेरी एक भी बात अच्छी हो लगी हो तो भैया लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और जो भी पास होना चाहते हैं इस बार, 100% पास होना चाहते हैं, कोई भी भाई और बहन 100% पास होना चाहिए, तो भैया कमेंट में जरूर लिखना, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसी पे एक छोटा सा रैप हो जाए, देख तेरे चारों तरफ आज लोग खड़े हैं, तेरे आगे पीछे तेरे को रोकते सही है, कहते हैं तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तेरी लाइफ में आगे कुछ होगा नहीं, तेरे से जिंदगी भी आगे चलेगी नहीं, तू सीए में क्यों आके खड़ा है, तेरे भाई तेरे बहन तेरे पीछे पड़ा है, अबे सब बोलते हैं तेरे बस की नहीं, तू छोड़ दे सीए, तेरे कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात तू याद रखना कि तेरा नसीब है तेरे हाथों में, लकीर जो बनी भगवान ने जो दी इसे तू बदल सकता है अपने कर्मों के साथ, तुझे बदलना है, तुझे चलना है, और तुझे लाइफ में बस बढ़ना है, 100% तुझे दे के रहना है और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी को भी तुझे रोए देखना नहीं है, तेरी लाइफ का मकसद एक सही है, तुझे किसी भी तरह इस बार पास हो के दिखाना है, लाइफ में जैसे भी कोई भी सिचुएशन आए तुझे बस लड़ते जाना है, तुझे ना किसी से डरना है, तुझे बस आगे बढ़ना है, तुझे बस आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू लॉट
एंड गॉड ब्लेस यू।